एवरी वन वेलकम बैक टू माइंसाइन टूटोरियल सो वी स्टार्टेड विथ कोर्टशिप इन फिशे या फिर हम कह सकते रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन फिशेज और उसके अंदर स्टिकल बैग फिशेज जो थी उनमें हमने ऑलरेडी देख लिया था जो उनका रिपोर्डक्टिव बिहेवियर होना चाहिए वो और साथ में उसकी जो कोर्टशिप बिहेवियर होना चाहिए वो भी सो so, स्टिकल बैक फिशेज हो चुकी थी तिलापिया फिशेज भी कम्पलीट हो गई थी उसके बाद हमने जो ज्वेल फिशेज होती है उनको भी एक वीडियो सेगमेंट जो इससे पहले वाला था उसमें कम्पलीट कर लिया था सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टू काइंड ऑफ फिशेज दैट इज दप फिशेज जिसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी थोड़ा हौचपोजे इसलिए इसलिए दिख रहा होगा यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये यह सारी बातें पहले से पढ़ चुके हैं तो ये वाली बात हो जाती है दूसरी यहाँ ये यह जो सेकंड फिश रहेगी वो रहेगी साइमीज़ फाइटिंग फिश तो ये फिशेस के बारे में आज बेसिकली हम देखने वाले हैं सो गपी फिश का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट करते हैं सो so, पर कुछ नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे गप्पी फिशेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं सो so, ये उसकी हेडिंग है यहाँ पर गप्पी फिश के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना जानना जरूरी अगर हम समझे तो क्या होता है जो गप्पी फिशेस होती है वो एक तरह की फ्रेश वाटर फिशेज होती है यानी कैसे पानी में पाई जाएगी ऐसे पानी में जो कि फ्रेश होता है सो so, फ्रेश वाटर फिश होती है पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दूसरी बात इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जो कि पॉइंट यहाँ पर मैंशन है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर

यानी कि ये ऐसी फिश होगी जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देगी ना कि एग्स को देगी अगर ये एग्स को बर्थ देती तो ये ओवी पेरस हो जाती बट दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर वीवी पेरस तो ये यंग वंस को बर्थ देती है इसलिए ये कैसी हो जाती है ये वी पेरस हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि इन फिशेज में कोई भी पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती यानी कि जो पेरेंट्स अपने यंग वंस को केयर प्रोवाइड करेंगे उनकी देखभाल करेंगे वो सारी चीजें इन गप्पी फिश के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी तो गप्पी फिश में देर इज नो पेरेंटल केयर दूसरी बात ये फिशेज टेरिटोरियल टेरिटोरियल नहीं होती टेरिटरी बनाने की जो प्रोसेस होगी वो भी इनमें देखने को नहीं मिलेगी तो टेरिटरी यहाँ पर नहीं बनती तो आप इतना लिख सकते हैं दे आर नॉट टेरिटोरियल तो यहाँ पर ये यह पॉइंट नहीं था इंक्लूडेड कि ये नॉट टेरिटोरियल है तो यहाँ पर नॉट टेरिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाएगा दूसरी बात चाहे ब्रीडिंग सीजन ही क्यों ना आ जाए तब तो भी ये फिशेज टेरिटोरियल नहीं होती जैसे पुरानी फिशेज में हमने ये भी देखा था कि कुछ फिशेस टेरिटोरियल नहीं होती लेकिन फिर भी जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो फिश टेरिट्री बनाने की प्रोसेस करती हैं पर गप्पी फिशेस का ये केस है कि ये टेरिटरी किसी भी केस में नहीं बनाती नॉट इवन इन द ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन में भी टेरिटरीज नहीं बनाती दूसरी बात ये फिशेज जो कि गप्पी फिश है ये लार्ज स्कूल्स में रहती है लार्ज स्कूल्स मतलब हमने बात की थी फिश के ग्रुप को स्कूल्स कहते हैं तो ये फिशेज जो होती है बड़े स्कूल में रहेगी बड़े ग्रुप्स में रहेंगी लार्ज स्कूल्स में रहेंगी जिसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो कहना चाहिए एक बड़ा झुंड बनाकर रहना पसंद करती है दूसरी बात ये सोशल रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी भर इनमें सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है जैसे कि आपने देखा हम एनिमल बिहेवियर में अलग अलग तरह का सोशल बिहेवियर ऑलरेडी देख चुके हैं जैसे कि सोशल बिहेवियर इन हनी बीज सोशल बिहेवियर इन टर्माइट्स और प्राइमेट्स के अंदर हमने बबून के अंदर देखा था जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं उसी तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी किसी फिश का नाम बताइए जो कि सोशल बिहेवियर शो करती है वो भी थ्रू आउट देयर लाइफ पूरी जिंदगी भर सोशल बिहेवियर शो करती है वो कौन सी फिशेज होती है देन इन दैट केस आप कह सकते हैं वो गप्पी फिशेज होती है तो ये गप्पी फिशिज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सोशल फिशेज होती है लार्ज स्कूल्स में रहना पसंद करती है इनके जो यंग वंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि हमने जैसा कि कहा यहाँ पर ये बात कही कि इन में कोई पेरेंटल केयर नहीं होती जब पेरेंट्स ही यंग नहीं करेंगे तो एक रीजन यहां पर इनका इंडिपेंडेंट होने का यह भी हो जाएगा कि यंग इंडिपेंडेंट हाँ हो जाते क्योंकि यहां पर इन्हें कोई पेरेंटल केयर नहीं मिलता दूसरा पॉइंट समझते हैं सो so, दूसरा पॉइंट है यहां पर कि जो गप्पी फिशेस होती है वो बिल्कुल भी टेरिटरी नहीं बनाती ये वाला पॉइंट तो हमने ऊपर ले लिया लेकिन इस चीज को आप अच्छे से एक बार अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि दे डू नॉट मेक टेरिटरी इन एनी केस ये वाली बात आ जाती है दूसरी बात अब यहां जो मेल गप्पीज होते हैं अगर हम उनके बिहेवियर की बात करें तो जो मेल गप्पीज होती है मेल गप्पी फिशेज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती है उनमें थोड़ा ज्यादा गुस्सा पाया जाता है और पर्टिकुलरली जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है मैंने उसको बी की तरह रिप्रेजेंट करा है सो जब ब्रीडिंग सीजन

तो सेक्सुअल डायमोरफिज की डिफरेंस तो हमको ऑलरेडी आती है कि अगर हम ये पहचान सके कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है और कौन सा इंडिविजुअल फीमेल है तो ऐसे कंडीशन को हम सेक्सुअल डायमोरफिज्म कहते हैं दूसरा पॉइंट समझते हैं इनमें जो मेल्स होते हैं वो जनरली पूरे ईयर की बात करें पूरा अगर ईयर रहता है तो ब्राइट कलर के होते हैं तो मैंने मेल्स को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कराए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है और वो कैसे होते हैं ब्राइट कलर के ब्राइट कलर के कैसे होते हैं ऑल ईयर राउंड पूरे साल भर जो मेल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है ब्राइट कलर का होता है लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडीज की या फिर फीमेल गप्पी फिशेस की तो फीमेल फिशेस का कलर होता है यूनिफॉर्म कलर एक जैसा कलर होता है पूरी बॉडी पे ऐसा कुछ नहीं कि कई ब्राइटनेस थोड़ी बहुत नजर आएगी एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आने लगता है जब मेल फिशेस जो है वो अग्रेसिव भी हो जाती है साथ में जो उनकी बॉडीज होती हैं उनके ऊपर कुछ ब्लैक मार्किंग्स आ जाती है जो कि फीमेल के अंदर नहीं आती है जो कि सिग्निफिकेंस भी रखती है कहीं ना कहीं ब्रीडिंग के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये फिश को थोड़ा सा ये जो मेल फिश थी इसको थोड़ा सा आ, कहना चाहिए ब्राइट करके शो करने की कोशिश की थी इसी ब्राइट फिश में मैंने बाद में ब्लैक लाइनिंग्स क्यों शो की है ब्लैक मार्किंग्स क्यों शो की है ये ब्लैक मार्किंग्स शो कर रही कि ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर एंटर कर चुकी है तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि इनकी जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है उसमें किस तरह की स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है सो so, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्टशिप के साथ पहला पॉइंट है कि जो मेल गप्पी होती है वो फीमेल को परस्यू करने की कोशिश करते so, uh, हैं फीमेल को एक स्कूल जो है पूरा जो इनका ग्रुप रहता है female, जो फिशेस का ग्रुप वहां से लेकर जाने की कोशिश करते टू कोटर एंड इसको कहते हैं लीडिंग तो पहली प्रोसेस होती है कि मेल गप्पी फिश ट्राई टू परस्यू अ फीमेल एंड टेक्स हर अवे फ्रॉम द ग्रुप टू कोट हर तो आप यहां लिखेंगे अवे फ्रॉम द स्कूल टू कोट हर देखिए यहां पर अगर हम इसका डायग्राम समझाइए पूरा एक स्कूल था यहां पर हमने जो बनाया इस स्कूल से मेल एक फीमेल फिश को यहां से लेकर जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं लीडिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज लीडिंग उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या होती है कि जैसे मेल यहाँ पर अटेम्प्ट करता है टू स्विम इन फ्रंट ऑफ फीमेल दिस इज कॉल्ड इनवाइटिंग मेल वहां पर फीमेल के सामने स्विमिंग करके शो करेगा इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहेंगे इनवाइटिंग सो so, यहाँ पर इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं मेल टू स्विम इन फ्रंट ऑफ हर एंड फेसेस हर दिस इज कॉल्ड इनवाइटिंग ये प्रोसेस हो गए यहाँ प्रोसेस हो पर इनवाइटिंग तक सेकंड के बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर कहना चाहिए मेल होगा वो अपने फिन को ऐसे फोल्ड करेगा कि वो एक सीरीज बनाने लगता है अल्टरनेट रीट रीट्स की और अप्रोचेस की स्टिल उसकी तरफ ही फेस करते हुए सारे मूवमेंट्स होते हैं और स्विमिंग को जर्की वे में स्विम करता है वो इस प्रोसेस को कहता है ल्यूरिंग तो ल्यूरिंग मतलब क्या होता है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं सो ही फोल्ड फिंस देन बिगिनस सीरीज़ ऑफ अल्टरनेट रिट्रीट्स एंड अप्रोचेस स्विमिंग बाय जर्क्स दिस इज कॉल्ड ल्यूरिंग इसको क्या कहते हैं ल्यूरिंग कहते हैं उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है जैसे ये सारी प्रोसेस करता है तो मेल अपनी बॉडी को एस शेप के कर्व के थ्रू बनाने लगता है आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह का मूवमेंट उसकी बॉडी में आता है कहीं ना कहीं सून आफ्टर दिस ही थ्रोज इज बॉडी इंटू अ एस शेप्ड कर्व कॉल्ड कर्विंग और इस प्रोसेस को कहते हैं कर, कर्विंग पहले उसने अट्रैक्ट करने की कोशिश की जिसको हमने ल्यूरिंग कहा उसके बाद वो कर्विंग को शो करता है नेक्स्ट प्रोसेस होती है इस कर्विंग uh, के बाद की एक पोजीशन आती है जब वो एक तरह का स्टार्टलिंग जंप लेता है यानी कि वो स्विमिंग uh, एक जंप के फॉर्म में करेगा फॉर एग्जांपल मेल यहाँ पर प्रेजेंट है और वो जब जंप करेगा तो उसमें टेन सेंटीमीटर का जंप वो लेता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सो so, 10 सेंटीमीटर का वहां पर वो जंप लेगा इसको क्या कहते हैं स्टार्टलिंग जंप कहते हैं सो so, एक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाता है अवे फ्रॉम द फीमेल होता है जो कि और ये सबसे ज्यादा कॉन्स्पीशियस पार्ट होता है कोर्टशिप का जिसको स्टार्टलिंग जंप कहते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार भी बनाया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ये जो स्टार्टलिंग जंप यहां पर लिया जाता है इसके बाद क्या होता है वो चेकिंग की प्रोसेस होती है जिसमें दोनों ही जो मेल फॉर्म रहेगा वो एस डिस्प्ले बनाएगा राइट एंगल पे जो कि फीमेल के हेड के ऊपर रहेगा और उसको बार बार वहां पर फॉर्म करेगा और साथ में इस चेकिंग के प्रोसेस में जो क्लोएकल अपर्चर होगा फीमेल का वो उसको भी वहां पर चेक करेगा सो दिस इज द पॉइंट फॉर दी चेकिंग ये वाली बात हो जाती है यानी कि हमने कितनी स्टेप्स देखी पहले लीडिंग लीडिंग के बाद हमने देखी इनवाइटिंग आफ्टर इनवाइटिंग हमने बात की ल्यूरिंग Luring के बाद हमने देखी कर्विंग कर्विंग के बाद एक स्टार्टलिंग जम्प उसके बाद चेकिंग तो ये सारे पॉइंट थे जैसे ही चेकिंग हो जाती है फीमेल की देन वहां पर एक स्मॉल कर्व वो लेता है टू अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड एंड अटेम फॉर दी कॉप्युलपुलेशन प्रोसेस रहेगी उसकी और जो फीमेल रहेगी उसका जो गोनोपोडियम पार्ट रहेगा यहाँ पर देखिए सॉरी मेल का जो गोनोपोडियम पार्ट रहेगा जैसे कि यहां पर रिटर्न है आप देख सकते हैं गोनोपोडियम पार्ट ऑफ मेल वो जो रहेगा वो जिनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में एंटर किया जाएगा देन वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सो so फिर उसके बाद जैसे फीमेल जो गप्पी रहेगी वो बेबीज को बर्थ देगी बिकॉज वहां पर हमने पहले भी बात की थी ये विवी पेरसफिश होती है सो so यंग वन को ही बर्थ देगी और उसके बाद वो वहां से चली जाती है सॉरी so, मेल um, से चले जाता है जो फीमेल फिशेस रहती है वो वहीं पर एक्स के पास या जो भी उसके यंग वंस रहते हैं उनके पास ही रहती है तो ये पूरी प्रोसेस कहीं ना कहीं थी जो कि गप्पी फिशेस की थी तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे इसका जो पूरा प्रोसेस था तो नॉर्मली एंड में ये होगा कि मेल फिशेस वहां से चले जाते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट दी साइम इज फाइटिंग फिशेस बात करते हैं साइनीस फाइटिंग फिश की डायग्राम हमने शुरू में देख लिया था तो so, जो साइनीस फाइटिंग फिशेस होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पर यही बन जाता है दूसरी बात इन फिशेस में भी सेक्सुअल डायमोरफिजम पाया जाता है जिसको मैंने एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है स्पेलिंग अब आपको ऑलरेडी आती है जो मेल यंग फिशेज होती है वो जनरली कितने ईयर्स के हो सकते हैं तो मेल यंग फिशेज इनके अंदर फोर मंथ से लेकर वन ईयर ओल्ड हो सकती है और इनमें ब्यूटिफुल फिन पाए जाते हैं यानी कि जो मेल फिशेज होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है यहाँ पर और

तो ये वाली चीज आप याद रखेंगे दूसरी बात कि जब यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है कोर्टशिप की जनरली तो कोर्टशिप की प्रोसेस में आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो मेल फिश होती है यहाँ पर यानी कि ये जो मेल साइमीज़ फाइटिंग फिश होती है वो बबल नेस्ट को तैयार करता है बबल नेस्ट यानी जो पानी की ऊपरी सतह होती है जैसे ये वाटर है पूरा इस वाटर में सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है अगर हम वहां देखें तो वहां पर ये बबल्स के थ्रू क्या बनाएगा नेस्ट बनाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेस्ट को शो करा है इस एरिया में यहाँ पर बबल का नेस्ट है ये सो तो बबल का नेस्ट बनाया जाता है दूसरी बार जैसे बबल का नेस्ट बनता है तो ये जो मेल फाइटिंग फिश होती है ये फीमेल को वहां पर इन्वाइट करता है जब ये फीमेल को वहां पर इन्वाइट करेगा तो उसको इनवाइट करने के लिए ये फीमेल के आसपास अपनी बॉडी को रैप करते हुए उसको उस एग के नेस्ट सॉरी एग नेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करता है और फिर वहां पर उसको इंड्यूस करता है ताकि वो अपने एग्स को वहां पर एक्सपेल कर दे या फिर वहां पर वो अपने एग्स को ले आउट कर दे ये प्रोसेस होती है उसके बाद जैसे ही फीमेल वहां पर आ जाती है मेल वहां से चले जाता है फीमेल एग्स वहां पर ले कर देती है और फिर उसके बाद जैसे एग्स को वो ले करेगी तो अपने माउथ के अंदर एग्स को सारे एग्स को लेकर चले जाता है और बबल नेस्ट में प्रॉपरली प्लेस कर देता है उसके बाद उन एग्स को फर्टिलाइज कर देता है उसके बाद वो उसकी जो कहना चाहिए दूसरा प्रोसेस जो होता है जैसे फ्लोटिंग करना बबल नेस्ट में या फिर जब तक जो छोटे यंग वंस है उन एग्स में से बाहर ना आ जाए वो तब तक वहीं रहता है तो इस तरह की कहीं ना कहीं प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें पहली प्रोसेस तो होगी बबल नेस्ट तैयार करना उसके बाद यहाँ फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो अपनी बॉडी को रैप करते हुए उसके आसपास फीमेल को वहां अट्रैक्ट कर रहा है या लेकर आ रहा है सो तो आप इतना लिखेंगे कि आफ्टर प्रिपेरिंग अ नेट ऑफ बबल्स एट दी सरफेस मेल फाइटिंग फिश इनवाइट दीमेल एंड रेप सेल्फ अराउंड दीमेल बॉडी एंड इंड टू एक्सपेल हर एक्स तो इंड्यूसेज हर टू एक्सपेल हर एक्स वाला पॉइंट दूसरी बात जैसे मेल से मतलब फीमेल वहां से एग लेकर चली जाएगी तो वो एग्स को क्या करेगा उसके अपने माउथ के अंदर एग्स को ले जाएगा और उनको अच्छे से बबल नेस्ट के अंदर प्लेस कर देगा सो so, माउथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके माउथ में वो लेकर जाएगा एंड इसका एक वीडियो हम लोग अलग से अपलोड करेंगे जिसमें साइमीज फाइटिंग फिश के ऊपर तो नहीं है एक दूसरी फिश है जिसके अंदर यही सेम तरह का प्रोसेस कहीं ना कहीं दिखाई देता है जिसमें जो मेल फिश होती है वो एग्स को या फिर ये जो यंग वंस होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने माउथ के अंदर लेकर प्लेस करने की कोशिश करता है तो आप उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं ओरिजिनल वीडियो है हम उस इसी वीडियो के बाद उसको भी अपलोड कर लेंगे सो आई थिंक यहाँ पर हमारा पूरा जो कोर्टशिप इन फिशेज का टॉपिक था वो कम्प्लीट हो जाता है हमने दो फिशेज देखी वन वॉज दी साइमीज फाइटिंग फिश और दूसरी हमने देखी यहाँ पर um, जो कि गप्पी फिशेज थी तो यहाँ फिशेज का जो कोर्टशिप बिहेवियर है वो तीन पीछे देखी थी प्रीवियस पार्ट में और दो अभी देख ली तो यहाँ कम्प्लीट हो जाता है इसके बाद हम एक ओरिजिनल वीडियो भी देखेंगे इसका सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग